कर यातायात माह नवंबर 2023 अभियान चलाएगा। आज से यातायात सप्ताह की शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य है और क्या बताएंगे इसके बारे में? ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माह नवंबर को यातायात जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। ये सप्ताह पूरा माह हमारे कार्यक्रम चलेंगे और विगत 20 वर्ष से भी अधिक वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में एक जन जागृति के माध्यम से, एक जन आंदोलन के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के बारे में सचेत किया जाए। आज ही ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी प्रिंट मीडिया में इसे कवर किया गया है कि 2022 में दुर्घटनाओं में करीब 168,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इसको विगत वर्ष से कंपेयर करें वर्ष 2021 से, तो ये आंकड़ा करीब 1,53,000 था। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग राहत हो रहे हैं, आईडी ये चिंता का विषय है। और जो अध्ययन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हेलमेट ना लगाने के कारण दुर्घटनाओं में हताहत हो रहे हैं। अगर केवल यूपी का लिया जाए तो लगभग 5,000 लोग जो हैं केवल और केवल अगर उनके सिर पर हेलमेट होता तो उनके जीवन को बचाया जा सकता था। ये वो आंकड़े हैं जो अभी एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए जारी किए। तो इस मुहिम के माध्यम से अगर हम लोग एक जिंदगी बचाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा अभियान सार्थक है, पूरे माह चलेगा। इसमें विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम कराए जाएंगे, इसी के साथ साथ आरडीओ के साथ मिलकर जो विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बस यूनियन है, टेम्पू यूनियन है, ई रिक्शा वाले हैं, इन लोगों में भी इस यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा और आप लोगों के माध्यम से